तो अभी हम वहां से निकल चुके हैं और अभी हम कहाँ है? पखरपुर। हाँ पखरपुर, पता नहीं कैसी जगह है, पीछे से शोर मच रहा है, तो अभी हम चल रही है उसकी तरफ। I don't know where we are. Hello guys. यार मैं डर गई कौन आ गया, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था कैमरा पे। क्या हाल चाल? ठीक ठाक। इसको खुद का खुद कुछ चीज कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसने हेडफोन्स लगा रखे हैं। सॉरी। सीनरी दिखाती हूँ मैं, रुको। हम आए कहाँ पे? पता नहीं पखरपुर क्या नाम है, रुको। तुम्हें नहीं मेरे ब्लॉग में? नहीं। हेलो गाइस, फिर से आ गई है मुंह उठा के बीच में। नहीं हमारे पास भी गाड़ी। मम्मा एक कुच्ची बच्चा फिर से आ रहा है, वो देखो कट्टू। हां माशाल्लाह, वो बच्चा भी हमारे साथ। बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है। वही है? नहीं है, कोई और है, दूसरा है। ये जो ले जा रहा है, ये दो बच्चे आगे बंदे मेरे को बच्ची दे दो यार। ये दो आगे बच्चे, रेड एंड ब्लैक। पता नहीं अभी हम किसी ज़ियारत पे जा रहे हैं, देखते हैं कौन से। इन दो दो को, इन दो को। हाँ हेलो, ये लो। हाँ देख लीजिए इनकी ड्रेसिंग भी, बस भाई भाई को हमजा को। तो ये यहाँ पे सारी मार्केट है अभी, और पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, किस कोने खुदरे में जाके हमें ज़ियारत मिली, आई डोंट नो। देखते हैं। पापा आप क्या मुझे छोड़ के भाग रहे हो? ये पखरपुर कहते हैं। हाँ बस ये तब से हम सुन ही रहे हैं। माशाल्लाह ये बड़ी मार्केट है, बड़ी रौनक वौनक होती है, लोग आते हैं दूर दूर से। अच्छा, यहाँ से जनाब अली काफी सारी गिफ्ट चीजें ले जाते हैं। मुझे कुछ मिल रहा है? मुझे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। क्या गजब बेइज्जती है। ये गेट है अंदर जाने का, ज़ियारत का। ओके लेट्स सी अंदर क्या है। ये ना मुझे मारे अंदर जाने से शूट करने पे। बस पास पास मालूम। ओके इसको पहले बच्चों को मैं अब रिंग्स लेने आई हूँ यहाँ पे। जी पकड़ कैमरा मैन बंदा। पहले मुझे बता दो सिल्वर की गोल्ड मेरे हिसाब से रिंग ही नहीं है मम्मा यहाँ पर। इसको किसी चीज मुझे रिंग लेके दो, पैसे मेरे ही हैं लेकिन मतलब ये उतरना ही नहीं चाहती है तुम्हारे। आओ आओ, देख सकते हैं इसका काम। हाँ अच्छी है अरुबा, ले लो कोई भी यार, तंग कर रही हो आप तो। बहुत डिसाइड स्क्रीन फॉर मी। और हम वापस आ चुके हैं, बैठेंगे गाड़ी है मेरी, वो जाएंगे अंदर। पता नहीं एंट्रेंस कहाँ से है, मेरा हाथ टुंडा हो गया उल्टे हाथ से कैमरा पकड़ पकड़ के। There it is, चारे शरीफ। तो अभी हम कहाँ पहुँच गए पापा? अभी हम पहुँच गए बेचारा बोरिया उठा उठा के चारे शरीफ माशाल्लाह। हाँ बड़गाम चारे शरीफ है ना। अभी वहाँ जा के हम बताते हैं वहाँ कैसा दिखता है नज़ारा। यहाँ इन जगहों पे ज़्यादा शूट करने नहीं देते, मतलब करने देते हैं लेकिन लोग ज़्यादा दूरते हैं कि क्या कर रही है वो, ये वगैरह रिलीजियस प्लेसेस दिखा रही है। तो वो तो आई ट्राई कि मैं जितना शूट
हो सके कर सकूं, बाकी देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ट्रैफिक है और ये रही चारिश है ना। फिर से करो जैसे कुत्ता बेचारी ऐसे बुला रही हूँ। ही डोंट गिव अ डैम मैन, वो अपनी अम्मा के पास ही जाएगी। गट्टू हाय बोल, हाय भाग गई, वीडियो खोलती बाय करिए गट्टू। हाय, चाय कब मिलेगी हमें? चाय इंशाल्लाह अभी मिल जाएगी आपको, पराठे और साथ ही उसमें हलवा होगा और यहाँ के पराठे और हलवा हलवा काफ़ी मशहूर है। मुझे नींद आ रही है, अब घर कब जाएंगे? जारी बात है, थकावट बहुत हुई है, सुबह के 5 बजे उठाया मुझे, अब हम घर कब जाएंगे? जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। हाँ बस जल्दी, तब से सुनती आ रही हूँ। I'm so thankful. यहाँ पे अभी दरूद शरीफ चल रहा है। हम जा Look at that giant jewelry. उसको भी दे, फरद को भी। मज़ा हो सर? हाँ सॉरी, तू पहले इतना ही ऐसे छोड़ा। सर राइट ना, अभी हम निकलने वाले हैं और ये पीछे हमारे चार शरीफ है और ये थुलसी, और अभी हम निकलने वाले हैं घर के लिए, तो देखते हैं अभी क्या कहते ना। बहुत बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और मतलब मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकती क्योंकि पहली चीज़ हम निकल रहे हैं, दूसरी चीज़ हम पूरे टाइम पे एक ही ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो इसीलिए हम नहीं दिखा सकते। मतलब मैं अब उतना नहीं दिखा सकती अंदर से कैसा दिखता है, आई डोंट नो इधर अलाउ भी है या नहीं अंदर से दिखाना, बाहर से फिलहाल के लिए मैं दिखा देती हूँ। तो मुझे नहीं पता ये मस्जिद है क्या है, और ना ही मैंने किसी से पूछा, ना ही मुझे कोई बता रहा है। और ये भी है, और ये थुलथुली ये लग से गट्टू, व्हाट इज इट? तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ज़ियारत के अंदर जा रहे हैं, चार शरीफ के अंदर। माशाल्लाह ऐसी जगहों पर जो है ना अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, लेकिन लोगों ने जो है ना यहाँ के शिर्क करना शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। अल्लाह ने इनको बड़ा वलीउल्लाह बनाया है और ऐसी जगह पर अल्लाह की रहमत बरसती है, तो खुदा
अल्लाह से मांगना चाहिए। अभी हम अंदर जाएंगे इधर, तो अंदर देखेंगे ये ज़ियारत क्या है। ओके, तो उन्होंने बोला अभी औरतों का दूसरी साइड से। वाह, हाँ ऐसे ही जा रही हूँ। उन्होंने बोला कि औरतों का दूसरी साइड से, तो अभी हम और दूसरी साइड से जा रहे हैं, और पता नहीं कहाँ से जाना है अंदर। और यहाँ बहुत पथरीला इलाका है, तो एक काइंड पर्सन ने मुझे बोला आहिस्ता जाना, आहिस्ता। अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे। जा रहे हैं घायल, और ये मेरी अम्मा जान है जिसको मैं ज़बरदस्ती पकड़ के लाई हूँ, क्योंकि ये भाग जाती है मेरे हाथों। और कुछ बोलोगी अब? बोलोगी तो नहीं, बिल्कुल भी कुछ क्या। इनको स्क्रिप्ट लेके देनी पड़ती है पहले से ही, कसम से। कोई बात नहीं, सीखेंगी आहिस्ता आहिस्ता। बस देखा, आशीर्वाद दे दो हाथ से। और मेरे साथ एक हादसा हो गया है। मैं अंदर गई थी ज़ियारत में, तो एक आंटी ने मुझे कहती है बादाम ले लो, मैंने ले लिया। कहती नियाज के तो मैं इतना खुश थी, मैं कहा चलो बादाम एक एक ही बेशक दे रही है, लेकिन नियाज के तौर पे दे रही है। लेकिन क्या हो गया मेरे साथ, कहती है वापस से आंटी कि 10 रुपए दो। वाह सही बिजनेस है यार, अजीब ही। मुझे 100 बोला, क्यों दे यार, अगर नियाज के तौर पे दे रहे हो फ्री में दो ना बंदों को। कुछ भी 10 रुपए चाहिए थे, ऐसे ही बोल देते हैं। बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे इस्लाम के नाम पे। चलो कोई बात नहीं, खैर मैंने दे दिया। मैंने कहा छोड़ो अब, 10 रुपए का मेरा कौन सा बिल्डिंग बन जाएगी यहाँ पे। चले अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो मिलती हूँ मैं आपको बाद। तो मेरी माँ की करामतों से हम लोग पता नहीं रास्ता भटक चुके हैं। वैसे रास्ता हमें पता है, मतलब गाड़ी नहीं पता हमें कहाँ है। और मेरी माँ मुझे कर रही है, लेके खुद जा रही है। मेरी माँ कहती है चलो 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 सीधे चलते रहो। जाने वाला चुप नहीं बैठ सकता, मेरे को बोलने नहीं दे रहा। मेरी माँ ने हमें घुमा दिया, अब हम वापस जा रहे हैं। और अब हमें गाड़ी का एक्चुअल लोकेशन, मैंने नहीं घुमाया, बस मैंने कोई नहीं इसको घुमाया। माँ स्ट्रगल करते हुए ही स्ट्रगलिंग हमें कुत्ते पड़ गए, पीछे चिल्लाए जा रहे यार। गाड़ी में सब हमारा वेट करे, अब हम जाएंगे। और वो रही हमारी बस जिसने हमें बहुत तड़पाया। मुझे मेरा पुच्ची व्लॉगर है, ये इंग्लिश पेश ही नहीं है। सामने देखो, पीछे देखो, सामने नहीं। अंकल जी फोन में व्यस्त होते हैं। बताओ कैसे डालेंगे हाथी को फ्रिज में, उसको जबा करेंगे, उसको टोटे टोटे करेंगे, उसको सारा गोश्त छोटे छोटे पीस बनाएंगे, फिर फ्रिज में डालेंगे। फ्रिज को बड़ा करो, दरवाजा खोला, हाथी को कते ही पेंडू सवाल। मैं हमजा उस फ्रिज में सारे हाथी बंदर जाने सारे डाल दूंगी। जिराफ को कैसे फ्रिज में डालें? जिराफ को कैसे फ्रिज में डालें? जिराफ, हाँ 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 हाँ, जिराफ बंदर की बॉडी में कौन सा जानवर नहीं आया? मैं बोला रूबा, रूबा इमोशनल डैमेज। फ्रिज में बंद था। हम बंदर की पार्टी भी फ्रिज के अंदर ही करेंगे, आप बोलो क्या करोगे? क्या? हम बंदर की पार्टी फ्रिज में ही करेंगे, आप बोलो। सुनो सुनो सुनो, आ तो क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्या सुनो सुनो, बोलो बोलो। पार्टी फ्रिज में हो रही है, लेकिन हाथी तो बाहर है। तो हाथी को भी घुसाड़ देंगे, कोई बात नहीं, है ना पापा? हां।
few moments later. So guys, आप लोग किसको सपोर्ट करते हो बताओ जल्दी. आप लोग में से कौन इंडिया के साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ, कमेंट करके बताओ मुझे. मैं तो दोनों को सपोर्ट करती हूँ. आई सपोर्ट बोथ ऑफ देम एंड बोथ प्ले वेरी वेल ऑलवेज. लेट्स सी कौन जीतता है. और ये फाइनल 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 माशाल्लाह हबीबी मेरे कैमरा को क्या होती. ओके मेरा कैमरा भी साफ होती. और माशाल्लाह से पाकिस्तान जीत गया. वेल प्लेड इंडिया एज वेल एंड वेल प्लेड पाकिस्तान एज वेल. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानी सपोर्टर्स एंड वेल प्लेड इंडिया एज वेल एंड आई सपोर्ट बोथ ऑफ देम. सरंगी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा.